मेनली नेशनल रिफाइंड पे अगर पहले आ जाएं तो पिछले कोई दो साल से तो एटलीस्ट ये लॉस में होगी रिफाइंड, कोई दो साल के बाद एटलीस्ट जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी इसने शो करी है आखिरकार आके इस क्वार्टर में जो है रिजॉल्व कर दिए फॉर रिफाइनरी एंड फॉर ओएमसीज एज वेल। तो मीन्स अब इनको जो है वो एटलीस्ट एक्सचेंज लॉसेस नहीं होते, एक्सचेंज लॉसेस अब जो होते हैं वो हम जो भी पेट्रोल या डीजल की प्राइस दे रहा होता है कंज्यूमर उसके अंदर बिल्ट इन होता है जो भी एक्सचेंज का, इनफैक्ट खुशी में भी और कुछ गम में भी उनको यूरो 5 स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कम से कम एक रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट दरकार है वो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो 35-40 बिलियन होगी यूरो पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए। हमारी पाकिस्तान की वो वाहिद रिफाइनरी है जो यूरो 5 स्टैंडर्ड का डीजल बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, right. इसके अलावा एक्स्ट्रा कैपेक्स एटलीस्ट डीजल के लिए नहीं करना होगा। तो अगर किसी रिफाइनरी को 35-40 बिलियन का कैपेक्स करना है तो शायद हार्डली नेशनल रिफाइनरी को 15-20 बिलियन का मुश्किल से कैपेक्स करना पड़े। देखें इसके अगर रिफाइनरी सेक्टर के बारे में कोई पूछता है ना तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में उसको जाने की जरूरत है कि पिछले आप कह लें दो तीन साल हो गए रिफाइनरीज के काफी बुरा जो है वो पीरियड गुजरा है। तो वो जो पीरियड बुरा गुजरा है उसमें काफी सारे मसले मसाइल थे कि सबसे बड़ा रीजन ही एक तो फर्नेस ऑयल का था कि फर्नेस ऑयल जो है उसकी प्राइस बहुत कम हो गई थी, फिर जो है उसकी लिफ्टमेंट नहीं होती थी क्योंकि जो है पावर प्लांट में फर्नेस ऑयल का यूज नहीं होता था, वो मेरिट ऑर्डर लिस्ट में नीचे आता था। तो फिर जीआरएम्स के लेवल पे मींस इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स होते हैं जो बेसिक मार्जिन्स होते हैं रिफाइनरीज के वो काफी जो है वो प्रोडक्ट्स के इनके काफी खराब थे कुछ पिछले 1-2 साल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो है आप कह लें कि रिफाइनरीज फेस कर रही थी। इसके बरस कुछ ऐसी चीजें थी जो आप कह लें कि जिसमें थोड़ी सी पॉलिसी फ्लॉ था जिसकी वजह से रिफाइनरी सफर कर रही थी, जिसमें एक मोटी चीज जो है वो आप कह लें एक्सचेंज लॉसेस की थी जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज में हो रहे थे पिछले सालों में रिफाइनरीज को। दूसरी जो आप कह लें एक फंडामेंटल रीजन था वो जो है इनके इन्वेंट्री लॉसेस का था क्योंकि प्राइसेस जो है कुछ टाइम के लिए काफी वॉलेटाइल रही थी तो इन्वेंट्री लॉसेस भी काफी ज्यादा हो रहे थे। तो आखिरी वाली जो दो चीजें हैं इस पे तो गवर्नमेंट आप कह लें कि अभी पिछले 6-8 महीनों में तो ये तो जो है रिजॉल्व कर दिए फॉर रिफाइनरीज एंड फॉर ओएमसीज एज वेल। तो अब इनको जो है वो एटलीस्ट एक्सचेंज लॉसेस नहीं होते, एक्सचेंज लॉसेस अब जो होते हैं वो हम जो भी पेट्रोल या डीजल की प्राइस दे रहा होता है कंज्यूमर उसके अंदर बिल्ट इन होता है जो भी एक्सचेंज का। जो एक इनका मसला था इन्वेंट्री लॉसेस का वो भी काफी हद तक आप कह लें पूरा तो नहीं खत्म कर सकते, जाहिर बिजनेस इस तरह का है जिसमें इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जहां प्राइसेस जो है वो मंथली चेंज होती थी मींस हम मंथली जो है प्राइस रिविजन देते थे प्राइस और डीजल की पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में, अब जो है वो फोर्टनाइटली चेंज होती है मींस मंथ में 2 दफा। अच्छा इसी में कुछ जो है अभी मैंने कुछ जो है इस तरह की भी लोग की आई थी कि गवर्नमेंट ने 2 दफा जो है वो प्राइस बढ़ा दी एक ही महीने में जबकि एक महीने में 1 दफा बढ़ती थी। तो खैर इस तरह से नहीं है ये पिछले जो है आप कह लें कोई मई जून 2020 से जो है ना प्राइसेस जो है वो फोर्टनाइटली रिवाइज होना शुरू हो गई। रिफाइनरी पॉलिसी पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। अच्छा व्हाट हैज हैपेंड की बात करें तो वैसे ही जो रिफाइनरी पॉलिसी है ना इस पे कंसल्टेशन जो चल रही है वो पिछले मेरे ख्याल से कुछ कोई 1.5 साल से चल रही है। तो इसके लेकिन अब 1.5 साल से चल तो रही है बट एक्चुअली पॉलिसी अभी तक आई नहीं है, बट पॉलिसी आने से पहले काफी सारी चीजें जो हैं वो इन सेक्टर्स के लिए हो गई हैं। प्राइस रिविजन ये दो चीजें तो ऑलरेडी हो गई हैं, अब जो पॉलिसी रिमेनिंग आनी है अब उसमें है इस तरह से देखें कि जो हमारा थोड़ा सा ये चीज समझने की हमारा जो रिफाइनरी सेक्टर है ना वो रेगुलेटेड सेक्टर है ठीक है। तो उस रेगुलेटेड सेक्टर को जाहिर है प्राइजेस सब चीजें गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इनके पास पावर नहीं है किसी भी चीज की प्राइस ये नहीं सेट कर सकते। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट चाह ये रही है कि फिलहाल जो है
प्रोडक्ट जो है उनको अपग्रेड किया जाए, मींस आपने वो तो सुन ही लिया होगा कि यूरो 5 स्टैंडर्ड फ्रॉम यूरो 2 स्टैंडर्ड से यूरो 5 स्टैंडर्ड के जो है वो प्रोडक्ट्स पे अब चली गई है ऑलरेडी, हम जो है वो यूरो 5 स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट्स पे चले गए। तो उसमें हुआ ये है कि अब जितनी भी इम्पोर्ट है, चाहे वो पेट्रोल की है या डीजल की, दो प्रोडक्ट्स की बात होती है दरअसल, पेट्रोल और डीजल की सारी इम्पोर्ट वो जो है यूरो 5 स्टैंडर्ड ही की आती है पाकिस्तान में। बट जितना रिफाइनरीज अभी बनाती है उस पर हतमी फैसला नहीं हुआ, फिलहाल रिफाइनरीज यूरो 2 ही बना रही हैं स्टैंडर्ड का। उनको यूरो 5 स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कम से कम एक रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट दरकार है वो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो 35-40 बिलियन होगी यूरो पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए। तो जाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिफाइनरीज को करनी है, एक किस सेक्टर था जिसमें पिछले कई सालों में जो है आप कह लें लॉस का जो है बुनियादी वजह आप कह लें कि वो एक्सचेंज लॉसेस इन्वेंट्री लॉसेस थे, तो जाहिर है वो गवर्नमेंट के एंड पे था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जिस तरह की थी। बट अब जाहिर है इतने लॉसेस के बाद इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, अब गवर्नमेंट ये भी चाहे कि अब यूरो 5 स्टैंडर्ड पे भी हम चले जाएं, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है हमारा रिफाइनिंग सेक्टर करने की पोजिशन में है नहीं। तो इसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाहिर है उनको कुछ रिटर्न चाहिए कि भाई हमारा जो बिजनेस है अभी वो जो है प्रॉफिटेबल हो, एटलीस्ट गवर्नमेंट कुछ इतना जो है हमें मेक श्योर करवाए कि ये हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, तो हम इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े जिसमें शेल हो गया, शेवरॉन हो गया, एक्सॉन मोबिल हो गया, सब अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कट कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी रिफाइनिंग सेक्टर से चाह रहे हैं, तो उनको जो है कुछ इंसेंटिव्स चाहिए उसके लिए। तो वो इंसेंटिव्स एक्सपेक्टेड है आना रिफाइनिंग पॉलिसी में। इसके नेक्स्ट सवाल भी मैं इसी में ऐड कर दूं जो आपका था कि क्या होना चाहिए पॉलिसी अंदर, तो क्या होने के लिए देखें ये मैं इस चीज के बिल्कुल हक में हूं कि कुछ गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से भी जो है हमारा रिफाइनिंग सेक्टर जो है वो काफी आप कहने काफी पीछे रहा है टेक्नोलॉजिकली भी। अब लास्ट में बात कर लूँ अभी जो है 2015-16 में, अब ये गवर्नमेंट भी अच्छा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको जो है प्रोजेक्ट्स क्या लगाना है, ये भी जरा ध्यान में रखें। एक एक चीज हमारे जो है ध्यानों में ये भी आती है कि यार रिफाइनिंग सेक्टर हमारा जो है बहुत ही आउटडेटेड है, इन्होंने टाइमली जो है वो अपग्रेड नहीं करी चीजें, तो वो टाइमली अपग्रेड नहीं करेंगे एक्चुअली, ये गवर्नमेंट इनको बता दी आपको प्रोजेक्ट लगाना क्या है। ओके पहले तो मीन्स जब बड़े प्रोजेक्ट लग रहे होते हैं, तो लास्ट अभी गवर्नमेंट ने पिछले 15-16 में इनसे दो प्रोजेक्ट्स लगवाए मेनली, जिसमें एक डीजल डीसल्फराइजेशन का यूनिट था जिसमें हुआ ये था कि हम लोग यूरो 2 स्टैंडर्ड पे आ गए थे, मीन डीजल और पेट्रोल था उसका यूरो 2 स्टैंडर्ड हो गया था। तो वो यूरो 2 स्टैंडर्ड जो है 2015-16 में करवाया था और उसमें ये कमिट करा था कि आप जब ये ऑनलाइन ले आएंगे प्लांट्स तो आपको जो डीम ड्यूटी मिलती है डीजल की प्राइस के साथ वो 7.5% की जगह 9% की कर दी जाएगी, जो कि प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। सबने प्रोजेक्ट्स लगा लिए, इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन जो है एक रिफाइन प्रोजेक्ट लगाया था और नेशनल रिफाइनरी ने और दूसरी अटक रिफाइनरी ने कोई 15-16 बिलियन रुपीज का जो है वो प्रोजेक्ट था। ओके तो उसके बाद उनसे जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं की। सही। तो इस तरह की गवर्नमेंट के भी कुछ अपने फैसले थे जो थोड़ा सा जो है रिफाइनरी के लिए रिफाइनरीज के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। जो ये इनको एटलीस्ट पॉलिसी है उसमें इन चीजों को जरूर एड्रेस करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इनको एटलीस्ट प्राइसिंग जो है कुछ अट्रैक्टिव दें, मींस कोई इस तरह का फॉर्मूला बनाए कि सब जगह यही होता है कि आप जो है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो सेव करते हैं। बिल्कुल सही। मुझे जरा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है तो वी हैव गॉट ओनली 4 स्टॉक्स, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, बाइको एंड अटक। सो हाउ डू यू लुक एट द रिजल्ट सीजन, नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट को कैसे देखते हैं, कितना मायूस किया, कितना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था? अगर इसमें तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो मेनली नेशनल रिफाइनरी पे अगर पहले आ जाएं तो पिछले कोई दो साल से तो एटलीस्ट ये लॉस में होगी रिफाइनरी, कोई 2 साल के बाद एटलीस्ट जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी इसने शो करी है आखिरकार आके मीन्स इस क्वार्टर में, तो इसका रिजल्ट तो फॉर श्योर जाहिर है इसका एक आप कह सकते हैं कि एक जो है वापसी का सफर जो है आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया है कि अब नॉर्मल वापस से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ये आना शुरू हो जाएगी। तो नेशनल रिफाइनरी का तो काफ़ी काफ़ी बेहतर रिजल्ट था।
इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी काफी बेहतर था बाजार में, तो जो मुनाफे बातें हो रही थी कि जी ये 40 रुपए आएगा, बट 40 तो नहीं आया। नहीं इतनी तो मतलब 40 रुपए क्वार्टर जो है मेरी नजर में नियर टू इम्पॉसिबल नंबर था। एग्जैक्टली इतनी बड़ी अर्निंग फिलहाल आना बगैर रिफाइनिंग पॉलिसी के बहुत मुश्किल है, जब तक इनको इंसेंटिव नहीं मिलते इतनी बड़ी अर्निंग आना मुश्किल है काफी। बट इसमें जो रैली हो रही है वो भी जस्टिफाइड है, लोग इसमें इतना पोटेंशियल आपको दिखता है गोइंग फॉरवर्ड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज? इसमें इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस है बेसिकली नेशनल रिफाइनरी का ना, बाकी सारी रिफाइनरी से हटके बेसिकली नेशनल रिफाइनरी हमारी पाकिस्तान की वो वाहिद रिफाइनरी है जो यूरो 5 स्टैंडर्ड का डीजल बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। Right. इसके अलावा पाकिस्तान की कोई रिफाइनरी अभी यूरो 5 स्टैंडर्ड का डीजल नहीं बना सकती। तो हुआ ये था, मैंने जब आपको बताया जैसे उन्होंने 15-16 में जब इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो उस वक्त नेशनल रिफाइनरी थी वो जिसमें जो है अपना जो कैपेक्स था वो काफी ज्यादा था, तकरीबन 30 बिलियन रुपीज के करीब इसका कैपेक्स था, 30 to 35 बिलियन रुपीज के बीच में कहीं कैपेक्स था इसका, और अदर रिफाइनरीज का आप कह लें वही कैपेक्स जो है 15-16 अरब रुपए का। तो इन्होंने उस वक्त बेसिकली करा यही था कि इन्होंने यूरो 5 स्टैंडर्ड का जो है वो प्लांट उसी वक्त लगा दिया था, बाकी सबके पास यूरो 2 स्टैंडर्ड का प्लांट था। तो जो मेजर रीजन है आप कह लें वो एक तो सबसे पहले यूरो 5 स्टैंडर्ड का प्लांट ऑलरेडी नेशनल रिफाइनरी के पास मौजूद है, तो एक तो जो भी प्राइस मिल रही है दायरे जो यूरो 5 की प्राइस होती है वो यूरो 2 से ज्यादा ही होती है, वो वेरी करती है बट अप्रोक्सीमेटली कोई आप कह लें कि एक कोई 1.5-2 रुपए के करीब जो है वो तकरीबन ज्यादा होती है प्राइस यूरो 5 स्टैंडर्ड की डीजल या पेट्रोल की। तो उनको एक एज मिल गया, जाहिर है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, एक प्लांट में ऑलरेडी लगा हुआ है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लग रही, ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट पे कर रहे थे यूरो 2 बनाते हुए, तो इनको उससे जो है काफी एक जो है बूस्ट मिल जाएगा, पहली तो चीज ये हो जाएगी। दूसरा ये हुआ कि जब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, जाहिर है वो इंसेंटिव्स मेरे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट को देने चाहिए वो प्राइसिंग के अंदर देने चाहिए, मींस के यूरो 5 स्टैंडर्ड की जो भी डीजल या पेट्रोल की प्राइस है उसमें कुछ बिल्डिंग कर दें, या डीम ड्यूटी अब इनकी बढ़ा दें, या डीम ड्यूटी का नाम ना भी दें, कस्टम जो है प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए। तो उसमें जो है नेशनल रिफाइनरी ऑलरेडी बना रही होगी तो उसको एक्स्ट्रा कैपेक्स एटलीस्ट डीजल के लिए नहीं करना होगा। तो अगर किसी रिफाइनरी को 35-40 बिलियन का कैपेक्स करना है तो शायद हार्डली नेशनल रिफाइनरी को 15-20 बिलियन का मुश्किल से कैपेक्स करना पड़े। तो कैपिटल गेन में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे आप? सॉरी जो इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करनी है दोनों प्लांट्स लगाने के लिए, मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा सा आसान कर दूं व्यूअर्स के लिए कि हमारी जितनी भी रिफाइनरीज है पाकिस्तान में इस वक्त वो यूरो 2 स्टैंडर्ड का डीजल और पेट्रोल बनाती है सिवाय नेशनल रिफाइनरी के जो डीजल यूरो 5 स्टैंडर्ड का बना सकती है। right. इसके अगेंस्ट हम जितना भी अब इंपोर्टेड मंगवाते हैं पेट्रोल और डीजल वो सब का सब यूरो 5 स्टैंडर्ड का होता है। सही है, ठीक है। तो ये फर्क है नेशनल रिफाइनरी का अदर रिफाइनरी से एक मेजर फर्क जो है। सो व्हिच इज व्हाई देयर इज एग्जुबरेंस एंड एक्साइटमेंट। एंड हाउ अबाउट द रिमेनिंग रिजल्ट सीजन, पीआरएल, बायको एंड अटक, कैसे देखते हैं आप? अटक का तो रिजल्ट आ गया, अटक ने छोटा सा लॉस दिखा है फिलहाल अभी भी मेरे ख्याल से। वो मेरे ख्याल से जो है ये सारी रिफाइनरीज का भी अभी कुछ रहेगा एक आध क्वार्टर तक के ये जो है यूरो, अब यूरो स्टैंडर्ड चेंज हुआ है तो ये लोग कोशिश कर रहे होंगे कि जो है यूरो यूरो 2 अगर बना रहे हैं तो यूरो 3 या यूरो 4 कुछ ब्लेंड करके कुछ केमिकल्स डाल के कुछ चेंज अपने जो है वो रेसिपीज वगैरह और अपने जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहे होंगे, डिफरेंट ट्राई कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है रिफाइनरीज, मीन्स उनकी बहुत सारे आप कह लें कि इन्वेंट्री जाया भी करनी पड़ती है, प्रोडक्ट सही नहीं बनता। तो इस तरह का कोई मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का हुआ है अटक रिफाइनरी के साथ जिसकी वजह से जो है वो जो है उसके लॉसेज आए, क्योंकि यही चीज सेम पीआरएल के साथ हो रही थी पहले। पीआरएल आप कह लें इस क्वार्टर जो प्रीवियस क्वार्टर था इसका उससे पहले लॉसेस में था क्योंकि वो भी डिफरेंट चीजें जो है वो ट्राई कर रहे थे। एंड हाउ डू यू सी पीआरएल गोइंग नाउ? देखिए गोइंग फॉरवर्ड अगर पीआरएल की बात करें तो पीआरएल में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि पीआरएल का फायदा ये है कि बट व्हाट डज योर एनालिसिस से इसके किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पीआरएल जो है अपने प्रीवियस क्वार्टर से एटलीस्ट
जो है वो ज्यादा अर्निंग शो करनी चाहिए। इसको प्रीवियस क्वार्टर में तकरीबन 49 पैसा 50 पैसा का इसका प्रॉफिट था, इससे ज्यादा ही अर्निंग एक्सपेक्ट की जा सकती है पीआरएल की, इससे कम होना मुश्किल है क्योंकि नेशनल रिफाइनरी उस वक्त लॉस में थी जब भी पीआरएल ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया था। अब जो है नेशनल रिफाइनरी पॉजिटिव हो गई है, मेरे ख्याल से रिजल्ट तो बेहतर एक्सपेक्टेड है इसका। जबरदस्त। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिफाइनरी सेक्टर हमें इंतजार है रिफाइनरी पॉलिसी का, गवर्नमेंट सर्टेन इश्यूज को एड्रेस करती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट विल बी एबल टू एड्रेस सम ऑफ द चैलेंजेस। नेशनल रिफाइनरी के फ्रंट पर कुछ अच्छी खबरें हैं। नेशनल रिफाइनरी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, नेशनल रिफाइनरी ने अपने आप को जिस हिसाब से रीक्यूप किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि नेशनल रिफाइनरी में काफ़ी इंटरेस्ट है, रैली है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो सीरियस एनालिस्ट हैं बाज़ार में काम करने वाले, वो समझते हैं कि इसमें मुनाफा जो है वो अच्छा रहने की तवक्को है। पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में भी यही फीलिंग है कि पाकिस्तान रिफाइनरी के भी जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।